कैसे हैं दोस्तों? सब्जियां जो लगाई हैं उसकी एक नई अपडेट के साथ हाजिर हैं। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि हमारी लगाई हुई सब्जियां आज कौन से स्टेज में दाखिल हो चुकी हैं। जैसे कि इन वीडियोस में आप हम और थोड़े वक्फे से अपडेट देते हैं, तो आइए आज की देखते हैं। आज की अपडेट में हमारी सब्जियाँ कौन से मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। 24 घंटे हो गए, चने भी गए, आइए देखते हैं। ये देखें, अच्छी तरह भीग गए हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। एक कोई भी कंटेनर ले लें, उसके अंदर एक थोड़ा सा नैपकिन चाहिए, इसको हल्का सा डैम्प कर दें, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा इसको के नम हो जाए ऐसे। उसके बाद सारे बीन्स इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डाल दिए, इसके ऊपर डालेंगे एक और नैपकिन और इसको भी हल्का सा कर देंगे डैम ऐसे, नम हो जाए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। इसको इस तरह कवर करके किसी भी जगह रख दें, इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, शेड में कहीं पे भी। उसके बाद 2-3 दिन में इसमें देखेंगे आप स्पाउटिंग हो गई, इसको सॉइल में या ग्राउंड में जहाँ पे भी आपको लगाना है लगा देंगे। 3 दिन हो गए कंटेनर में रखे, तो आइए देखते हैं। ये देखें, 3 दिन के बाद अच्छी खासी जर्मिनेशन हो गई, छोटे छोटे प्लांट निकलना शुरू हो गए। तो अब इस पोजीशन में इसको हम किसी भी पॉट में या ज़मीन में जहाँ पे भी आपको लगाना है लगा देंगे। तो आइए इसको लगाते हैं। तो आइए चिकपीस को प्लांट करते हैं। कोई भी आप पॉट में लगाना चाहें या पॉट में लगा लें, या हम इस वक्त इसको पॉट में लगाएंगे, या आपको ज़मीन में लगाना है तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर आप स्पेसिंग कर लें, 2 से 3 इंच के फासले पे आप इस तरह होल कर लें जहाँ पे भी आपको लगाना है। इसके अंदर जो जो स्पॉट हो चुके हैं उसको डाल दें। सारे लगा दिए हैं, इसको कवर करते हैं। इसको डाल दें पानी अच्छी तरह।
पानी डालते हैं, इस बात का ख्याल रखें कि बीज एक्सपोज ना हो मिट्टी से, मिट्टी के अंदर ही रहें। ये देखिए क्या हुआ, ये आलू नई शूट्स निकली हैं इसमें से, पिछली दफ़ा की वीडियो में आपने देखी होगी छोटी थी और अब ये देखें काफ़ी बड़ा हो गया। और ये है अदरक, थोड़ी सी ये भी बड़ी हुई है। ये भी है आलू और ये है मिर्चें, हरी मिर्च तीन पौधे, थोड़ी से ये भी बड़े हुए हैं। और ये है एग प्लांट बैगन, दो पॉट्स ये हैं, इनमें से भी हम दो प्लांट लगाएंगे तो इसमें से बाकी एक्स्ट्रा जो है उनको निकाल देंगे। ये भी एक मिर्च का पौधा निकला है। और इसके साथ ये जो चने लगाए थे वो भी काफ़ी निकल चुके हैं। ये देखिए ये भी निकल रहा है। चने इस दफ़ा हम पॉट में लगा रहे हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आइए नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं जहाँ पे हमने दूसरी सब्जियाँ लगाई हुई हैं। ये है स्प्रिंग अनियन, थोड़ी सी भी बड़ी हुई हैं। ये है सलाद लेटस, ये है लौकी, ये भी काफ़ी बड़े हो गए। जुकीनी, पम्पकिन, कद्दू, ये हैं टमाटर, ये भी काफ़ी बड़े हो गए। फूल गोभी, कॉलीफ्लावर और ये है ब्रोकली। ड्रैगन फ्रूट्स की कुछ कलमें लगाई थी, उसमें से ये दो हैं और बाकी दो में से कुछ थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई है, उसको हमने बाहर रख दिया है। चलिए आइए बाहर जल के उसको भी देखते हैं, बाहर कौन कौन से पौधे लगे हैं। ये देखिए जनाब, ये है हमारा पोटैटो, बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रहा है। इस पॉट में हमने छोटे छोटे पीसेस लगाए थे इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है। और इस पॉट में सिर्फ एक बड़ा पोटैटो लगाया था, ये वो है। तो एट द एंड देखेंगे कि एक साबित पोटैटो लगाने से क्या फ़र्क है और इस तरह के छोटे छोटे पीसेस आलू के लगाने से किसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, किसमें ज़्यादा पोटैटो लगते हैं। ये भी काफ़ी बड़े हो गए। इसके साथ है ये मेथी, ये देखें बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रही है ये भी सारे ही पॉट में।
और ये है वो ड्रैगन फ्रूट के कल में। ये देखिए इसमें से ये छोटा सा एक शूट निकला है, इसको हमने बाहर मूव कर दिया है। इसमें से भी ये देखिए छोटे से ये निकलने की कोशिश कर रही है। ये देखिए ये ड्रैगन फ्रूट। और देखते हैं आम। आइए आम भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है इसमें। देखें काफ़ी बड़े हो गए पहले की नस्बत। अच्छी लगी हुई ये हमारा आम का पौधा। और ये है फिक्स यानी अंजीर। इसमें से भी देखें काफ़ी पत्ते निकल चुके हैं। ये देखें और ये नए नए शूट्स ये देखें आप साथ साथ निकल रही हैं। और ये हैं हमारे वो प्लांट्स जिनको हम ऑलरेडी ज़मीन पे ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। ये भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए इसकी कुछ पत्ते ख़राब हो गए लेकिन ये अच्छे नई ग्रोथ हो रही है इसमें, इसमें भी हो रही है। और ये हमारे बीन्स के पौधे, इसमें आपने नोट किया होगा कि ये इसमें हमने इसको जाली से कवर कर दिया, बहुत ही बारीक जाली नेट इस पर लगाई है। वो इसलिए कि ये देखें अगर आप इसके अंदर से देखें तो इसको ये कीड़े इसके पत्ते खा रहे थे, तो इसलिए हमने इसको ये जाली लगाई है कीड़ों से महफूज रखने के लिए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको फिर पेस्टिसाइड का स्प्रे करें जो कि वो एक अलग खर्चा है और ऑर्गेनिक भी नहीं रहता फिर पौधा, या फिर हमने ये इसको जाली लगा दिए। अब इससे ये देखें नए पौधे नए पत्ते जो निकले हैं इसको डैमेज नहीं है, पुराने पत्ते में ये देखें आप काफ़ी कीड़े खा रहे थे इसको। अब ये जो नए पत्ते निकल रहे हैं ये महफूज हो गए। तो इसको लगाने से आपको स्प्रे पेस्टिसाइड का नहीं करना पड़ता और प्लांट्स कीड़ों से महफूज रहते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा ये सिस्टम बनाया है कि ये बार्स लगाई हैं, जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे इवेंचुअली इसको पूरा हम इस जाली से कवर कर देंगे। ये अभी छोटे हैं, इसको भी इवेंचुअली सारे पौधे इस जाली से कवर हो जाएंगे तो कीड़ों से महफूज रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि सब्जियां नए मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही हैं। तो आप भी अगर सब्जियां लगाते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और कुछ भी प्लांट कर रहे हैं तो उसकी सजेशन भी हमें दे सकते हैं कि अगर हम अपने इस ग्रोइंग प्रोसेस में कोई मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं, कोई अच्छी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं तो
हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको ज़रूर अप्लाई करके देखेंगे कैसा रिजल्ट आता है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा।